हेलो टू ऑल ऑफ यू, आप सबका जो है इस वीडियो सेशन में मैं अनिकेत आपका स्वागत करता हूं। आप सभी जान रहे हैं कि कल जो है LIC AEE प्रीलिम्स का जो है एडमिट कार्ड आ गया है और उन्होंने अपने हैंडआउट में ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो है LIC AEE में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बच्चों, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी, सभी को कंफ्यूजन था क्या नेगेटिव मार्किंग होगा नहीं होगा, तो उन्होंने अपने हैंडआउट में बिल्कुल क्लियर कर दिया। अच्छे से क्लियर शब्दों में उन्होंने लिख दिया कि जो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो बच्चों, अब एक छोटा सा एक कंसर्न बनता है, क्या जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो गलत होने की पॉसिबिलिटी क्वेश्चन की वो सारे सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या हमारा सिलेक्शन उसी पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। हमारा जो सिलेक्शन अब किस पे डिपेंड करेगा कि हम कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए अपने एग्जाम में, LIC AEE के प्रीलिम्स के एग्जाम में, ताकि जो है आप मैक्सिमाइज कर सके स्कोर अच्छे से कर सके। नेगेटिव मार्किंग तो हट गई, कोई बात नहीं, लेकिन आपको मैक्सिमाइज कैसे करना है स्कोर, आपको जो है रेस में कैसे आना है, आपको किसी को कट ऑफ क्लियर कैसे करना है, ठीक है? तो इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो सेशन में आपसे कुछ बातें करने आया हूं। तो अब देखते हैं कि इस वीडियो सेशन में आगे क्या है, क्या बातें करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो है इस डिस्कशन में क्या होने वाला है। तो बच्चों, जो है आप सभी जान रहे हैं कि जो है LIC AEE प्रीलिम्स का जो है हैंडआउट आ गया, नेगेटिव उसमें जो है एडमिट कार्ड भी आ गया। उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि जो है नेगेटिव मार्किंग LIC AEE प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में नहीं होगी। ये इन्होंने जो है कल कंप्लीट जो है ये काफ़ी टाइम से डाउट था, इन्होंने ये मेंशन कर दिया, ठीक है? अब जब ये डाउट था सभी बच्चों का, ये क्लियर हो गया। लेकिन बच्चों, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो है आपको मैक्सिमाइज कैसे करना है स्कोर, तो आपको मैक्सिमाइज कैसे करना है स्कोर की ये है कि नेगेटिव मार्किंग तो सबके लिए हट गया है ना, लेकिन आपको मैक्सिमाइज कैसे करना है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में या रीजनिंग में एक कोई शॉर्ट पजल कर रहे हैं और आपने जो है उस पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया, लेट सपोज जो है आपने 2 मिनट टाइम दिया और उसमें 70% जो है क्वेश्चन आपने जो है उसको बना लिया या 80% क्वेश्चन जो है आपने बना लिया। बनाने के बाद कहीं ना कहीं आप फंस गए और आपको लग रहा है कि चलो यार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, छोड़ देते हैं और इसका आंसर सी या ए जो भी होता है हम मार्क कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि आपके ये तुक्के बेस पे बन गया आपका। तो आपको ये चीज़ बच्चों नहीं करना है। अगर 2 मिनट आपने टाइम दिया है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ अच्छे से करो, हो सकता है 3 मिनट में जब करोगे आप तो इसका एक सर्टेन आंसर ए या बी या सी या डी जो भी या ई जो भी आंसर होगा, एक सर्टेन आंसर आपका एक निकल के आ जाएगा। तो आपको जो है जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फटाफट जो भी होता है मारते जाओ। एक कॉमन अप्रोच क्या होगा सभी बच्चों का यार, कि जो हमसे बन रहा है हम फटाफट वो बनाया, जो नहीं बनेगा हम वो तुक्का मार देंगे। लेकिन बच्चों, आपको सबसे थोड़ा सा डिफरेंट करना है, अगर क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या करना है, आपको जो है जो क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है, आपका लग रहा है कि हाँ मेरा हो जाएगा, मुझसे बनेगा, आप उसको 2 मिनट के बदले 3 मिनट दे दो, लेकिन आप उसको सही जो है आप उसको सही जो ऑप्शन जो होगा वो आपको मार करना है, ठीक है? जो बिल्कुल लग रहा है कि मेरा नहीं हो रहा है उसको लास्ट के लिए रखो, लास्ट में आपको ए बी सी डी जो भी मार करना है आप मार कर सकते हो। ये तो आप किसी से भी नहीं पूछ सकते कि जो है तुम्हारा अटेम्प्ट जो है टोटल अटेम्प्ट कितना रहा, क्योंकि सभी जानते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सभी 100 के 100 अटेम्प्ट करके आएंगे। ये बिल्कुल सही बात है। तो जो है आपको बिल्कुल यही पॉलिसी के साथ लेके चलनी है कि इंग्लिश के भी क्वेश्चन जो है इंग्लिश में भी जो है आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 10 दिया हुआ है, आपका 10 दिया हुआ है, आपको 10 मार्क्स लाने ही लाने इंग्लिश में। तो इंग्लिश में भी जो भी है ग्रामेटिकल ग्रामर के क्वेश्चंस हैं या फिर वो कैप्स हैं या फिर जो है क्लोज टेस्ट है, तो उसमें जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे से हो सकता है, 1 मिनट की जगह आप 2 मिनट दे लो, लेकिन आपको वहां पे 1 मिनट या 2 मिनट रुकना है और जो भी जो है आंसर हो वो आपको सोच समझ के आंसर मार्क करना है। उसके बाद जो भी लास्ट में आपका बचता है कि हाँ भाई अब ये चीज़ मेरे से बिल्कुल नहीं बनेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है इस क्वेश्चन को बनाने का, मेरे पास नहीं बन सकता मेरे से, चाहे वो क्वांट का क्वेश्चन हो रीजनिंग का क्वेश्चन हो, तो लास्ट में आप जो है अपना तुक्का लगा सकते हो क्योंकि निगेटिव मार्किंग जो है नहीं है, तो आप जो भी चाहे मार कर सकते हो। लेकिन आप थोड़ा सा टाइम दे लो क्योंकि आपका सही करना इंपॉर्टेंट है, गलत करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि गलत तो सबके लिए हट गया। तो बच्चों, सही करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो जल्दी से एक बार पैटर्न देख लेते हैं कि जो है LIC AEE प्रीलिम्स का जो है पैटर्न क्या है। तो रीजनिंग एबिलिटी भी जो है बच्चों 35 क्वेश्चंस हैं और 35 मार्क्स हैं और इसका जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 18 है और इसमें 20 मिनट्स का जो है ड्यूरेशन दिया गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 है, इंग्लिश और हिंदी इसका मीडियम ऑफ एग्जाम है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें भी 18 है और इसमें 20 मिनट्स टाइम दिया हुआ है। सेम इंग्लिश में फिर क्या है कि 30 क्वेश्चंस है और इसमें क्या है कि इसका जो है क्वालिफाइंग नेचर है इंग्लिश का और ये जो है टोटल में आपका काउंट नहीं किया जाएगा,
इसमें जो है 10 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और इसमें भी जो है 20 मिनट सेक्शनल टाइमिंग है। तो बच्चों मैं दोबारा आपको कहूँ कि आपको जो है गलत करना आपका इंपॉर्टेंट नहीं, आपका इंपॉर्टेंट है कितना आप सही कर रहे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैंने आपका आपको पैटर्न भी बता दिया कि कैसे कैसे पैटर्न क्या हो सकता है। इसमें आपको सेक्शनल टाइमिंग भी 20 मिनट्स है इंग्लिश में, 10 नंबर आपको लाने ही लाने हैं। तो सोच समझ के आपको एक मिनट लगा लो, दो मिनट लगा लो, लेकिन जो है आपको सही आंसर निकालना ही निकालना है, ठीक है। और जो लास्ट में नहीं बनते वो आपको लास्ट में आप तुक्का मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सभी लोग करेंगे। टोटल अटेम्प्ट आप 100 मार के आना, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बिल्कुल ही कम टाइम बचा हुआ है LIC के, 4 और 5 को इसका प्रीलिम्स का एग्जाम है, एडमिट कार्ड भी जो है आ चुका है। तो बच्चों इसी सोच को रखते हुए हमने क्या किया है, हमने जो है टेस्ट सीरीज पे हमारा स्पेशल ऑफर ऑलरेडी चल रहा है। जो बच्चे अगर अभी मॉक नहीं लिए हैं ये स्पेशल ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें क्या है कि ठीक है, हमने प्रीलिम्स को बच्चे जो है प्रीलिम्स की तैयारी से कर रहे होंगे सोच के, तो वो जो है हमने जो है 1 मंथ की वैलिडिटी के साथ जो है स्पेशल ऑफर निकाला है LIC का, जिसमें 30 टोटल टेस्ट हैं। इसमें फुल लेंथ मॉक है 15 और 15 सेक्शन वाइज टेस्ट है, ठीक है, और ये 1 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। उसके बाद एक जो है कुछ बच्चे जो है साथ में उनको पता है कि प्रीलिम्स और मेंस मुझे दोनों देना है, तो वो जो है LIC EEO प्राइम का पैकेज ले सकते हैं, जो कि स्पेशल ऑफर पे अवेलेबल है, वैलिडिटी इसके 3 मंथ्स है। इसमें टोटल 75 प्लस टोटल टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर के भी पेपर होंगे, सेक्शन वाइज भी होगा, टॉपिक वाइज भी होगा, और इंश्योरेंस नॉलेज के ई बुक भी होगा। तो मेरे समझ से आप जो भी आपको जो भी सही लगता है, आपको प्रीलिम्स वाले पे जाना है या फिर आपको प्राइम पैकेज पे जाना है, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, क्योंकि आपको इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये LIC का जो स्पेशल ऑफर है, आप जो स्टोर पर विजिट करोगे आपको वहीं फर्स्ट रो में जो है आपको मिल जाएगा। वो मैं आपको वीडियो में भी बताऊंगा आपको कहाँ से अवेल करनी है। अब एक चीज़ और बच्चों, मैं आपको छोटा सा एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ठीक है, मुझे मेरे समझ से जिन बच्चों ने जो इंश्योरेंस का एग्जाम जो है दे रहे हैं, ये गारंटी है कि वो बच्चे जरूर जो है आने वाले बैंकिंग के एग्जाम देंगे ही देंगे। चाहे अभी SBI PO प्रीलिम्स का एग्जाम जो है होने वाला है, SBI क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, वो उसका एग्जाम भी जो है होने वाला है। तो आने वाले टाइम में IBS का एग्जाम होगा, RRB का एग्जाम होगा, और भी ढेर सारे बैंकिंग के एग्जाम होंगे। तो बच्चों आपको जो है, आपको ये तो है कि हाँ मैं LIC का एग्जाम दूंगा, आप क्लियर कर लो, अच्छी बात है। अगर बाय द वे कहीं क्लियर नहीं होता तो फिर अदर आपके और भी बैंकिंग अपॉर्चुनिटीज है, जहां की आपको जो है वहां पे आपको देना ही देना एग्जाम है और क्लियर करना है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप सभी जान रहे हैं कि आपका जो है ऑनलाइन जो भी एग्जाम होगा सारे ऑनलाइन है ना। तो इसमें क्या है, हमने क्या किया है कि जो आप सभी जान रहे हैं कि बैंक प्राइम टेस्ट सीरीज हमारा क्या है, प्राइम टेस्ट सीरीज जो है आप सभी जान रहे हो, मैक्सिमम बच्चे जानते हैं, जो बच्चे नहीं जान रहे हो मैं उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। प्राइम टेस्ट सीरीज में राउंड द ईयर कंप्लीट जितने सारे भी बैंकिंग के एग्जाम होंगे, बैंक प्राइम में आपको सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी। और इसमें सिर्फ टेस्ट सीरीज ही, मॉक टेस्ट ही नहीं मिलेगा, इसमें साथ साथ आपको जो है सेक्शन वाइज टेस्ट भी मिलेगा, साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेगा। इसमें जो है बच्चों किसी को लेट सपोज मगर किसी का जो है रीजनिंग सेक्शन वीक है, किसी का जो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड वीक है, कोई कहता है कि नहीं मेरा इंग्लिश वीक है, तो आप उसमें सेक्शन वाइज दे सकते हो। कोई कहता है कि सर नहीं मेरा जो है पजल्स काफ़ी वीक है, कोई कहता है मेरा सिलॉक्स वीक है, कोई कहता है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस वीक है, तो उसमें आप टॉपिक वाइज पे भी जा सकते हो। साथ साथ आपके जितने सारे राउंड जितने ऑल टोटल जो ओवरऑल मॉक हम कह सकते हैं, आपको मॉक भी मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, बैंक प्राइम में जो है 9 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ 800 प्लस टोटल टेस्ट है, जो कि हमारा 999 का प्राइस है, बैंक प्राइम अवेलेबल है, बैंक प्राइम 2019, जिसमें कि 9 मंथ्स की वैलिडिटी है, ठीक है। और एक दूसरा है हमारा कि वैलिडिटी इसमें 15 मंथ्स की वैलिडिटी है, और 1119 की इसका ये प्राइस है, और 800 प्लस टोटल टेस्ट है, ठीक है। और उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि बैंक की तैयारी करते हैं, इंश्योरेंस की भी तैयारी करते हैं, SSC रेलवे, मतलब सारे गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो प्रिपेयर करते हैं, तो उसके लिए जो है हमने महा कॉम्बो प्राइम लेके आया है। उसमें 2100 प्लस टोटल टेस्ट हैं, और इसमें टोटल जो है आपको सेक्शन वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, SSC के भी, रेलवेज के भी, बैंक के भी, और ये 12 मंथ्स वैलिडिटी के साथ है। 1999 जो है इसका प्राइस है, मतलब काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आपको राउंड द ईयर सारे टेस्ट सीरीज आपके सामने अवेलेबल है। तो मेरे समझ से आपको ये जो है लेना चाहिए, इसके लिए आपको जाना चाहिए। अब ये कैसे कहाँ से मिलेगा, उसके लिए जो है आपको क्या करना है, आपको जो है store.adda247.com विजिट करना है हमारा स्टोर, और वहाँ से जो है टेस्ट सीरीज वाले टैब पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको LIC का वहाँ स्पेशल ऑफर भी दिख जाएगा, और साथ साथ हमारे जो प्राइम टेस्ट सीरीज के बारे में जो मैंने आपको बताया है वो भी आपको दिख जाएगा। इन केस आपको कोई भी क्वेरी होती है LIC के एग्जाम के रिगार्डिंग,
या SBI के एग्जाम के रिगार्डिंग, PO कह लो या क्लर्क कह लो, या फिर प्राइम टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, तो आप जो है हमें मेल कर सकते हैं prime@atta247.com पे। आप इसमें हम मेल करेंगे, जो भी क्वेरी होगी हम आपको रिवर्ट करेंगे। तो बच्चों हमारा जो है मेल आईडी क्या है, prime@atta247.com, ठीक है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो इस वीडियो में मुझे आपको देना था। मेन मेरा मोटिव यही है कि जो है नेगेटिव मार्किंग हट गई है, लेकिन मैं बार बार आपको कहूंगा कि जो है गलत करना आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, सही करना आपका इंपॉर्टेंट है। गलत करने की जो है वो आज़ादी सबको मिल गई, किसी का गलत नहीं होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपका कितना सही हो रहा है, उतने ही रेस में आप बने हुए रहेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मुझे आपको देना था। तो बच्चों थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपका जो है LIC का एग्जाम जो है नियर बाय आने वाला है, मैं चाहूंगा कि आप काफी अच्छे से प्रिपेयर करें, और आप भगवान करे, ईश्वर करे, आपको जो है ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और आपको जो है कामयाबी मिले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।